गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन एंड डिस्चार्ज को, इसके अंदर हम आज डिस्चार्ज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग की डेफिनेशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिस्चार्ज किसे बोलते हैं। डिस्चार्ज बोलेंगे कि पेशेंट को हम डिस्चार्ज कब करते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी जो कब रिक्वायर्ड होती है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड जितना भी होता है, या डिजीज जब तक कम्प्लीटली ठीक नहीं होती तब तक हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं। डिस्चार्ज तब करेंगे जब उसकी ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाए या डिजीज फ्री हो जाए, तब अपन उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो डिस्चार्ज की डेफिनेशन पे हम आएंगे। डिस्चार्ज अ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल इज अ डिपार्चर प्रोसेस विच कुड बी द ड्यू टू अटेंडिंग डॉक्टर्स एडवाइस टू लीव अ हॉस्पिटल ऑन रिक्वायर्ड कम्प्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। और इसके अलावा अगर पेशेंट है वो बिना डॉक्टर को इन्फॉर्म किए या बिना मेडिकल स्टाफ को इन्फॉर्म किए अगर हॉस्पिटल से बिना किसी रीजन से चला जाता है तो उसे हम नामा पे कवर करते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज कितने टाइप के हैं? डिस्चार्ज के टाइप मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला आएगा प्लान, सेकेंड आएगा नामा, थर्ड आएगा मेडिकल। प्लान डिस्चार्ज की प्लानिंग, जिसमें अपन सिस्टमेटिक तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं। जब वो उसकी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, डिजायर्ड ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अपन जो मेडिकल स्टाफ है उसके द्वारा उसको डिस्चार्ज किया जाता है, तो वो तो होता है प्लान डिस्चार्ज। सेकेंड आता है लामा। लामा हो जाएगा कि अगर पेशेंट है वो हॉस्पिटल से कहीं चला जाता है अपनी इच्छा से बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तो ऐसी कंडीशन जो क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें कि आपको पेशेंट की फैमिली के सिग्नेचर बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होते हैं, जो कि पेशेंट के रिकॉर्ड्स के लिए ज़रूरी होता है। थर्ड आएगा रेफरल। रेफरल एंड ट्रांसफर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे कुछ टाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि पेशेंट को डिजायर्ड कंडीशन या पेशेंट की डिजीज कंडीशन होती है वो उस किसी हॉस्पिटल में मैनेज नहीं हो पाती है, किसी डॉक्टर से मैनेज नहीं हो पाती है, तो उसे अदर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर दूसरी मेडिकल इनिशिएशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपन दूसरे हॉस्पिटल के अंदर अपन उसको ट्रांसफ़र करते हैं या दूसरे वार्ड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। इसे हम बोलते हैं रेफर या ट्रांसफ़र। इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में जैसे मैं बोलना चाहूँ तो समटाइम्स व्हेन पेशेंट डिजीज कंडीशन इज नॉट मैनेजेबल एट अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल ड्यू टू रीजन सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सरसाइज, पेशेंट इज नीड टू बी रेफर्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द हायर लेवल मेडिकल इनिशिएशन, दिस इज नोन एज रेफर एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट आएगा स्पेशल सर्कमस्टांसिस इन विच पेशेंट लीव द हॉस्पिटल। स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर सबसे पहले पड़ता है पैरो एंड सेकेंड नंबर पड़ता है एब्सॉन्डो। पैरो जो होता है इसमें पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, बल्कि आप 2-3 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करके या हॉस्पिटल के जो मेडिकल स्टाफ है उनसे परमिशन लेके उसको घर जाने की परमिशन दी जाती है, और अगर वो थोड़े और ज़्यादा दिन की परमिशन मांगे या उसके फैमिली वाले को परमिशन मांगे तो उसको ये परमिशन दी जाती है, उसे हम पैरोल में काउंट करते हैं। तो इसमें अगर पेशेंट है वो वापस नहीं आता है और तो डिस्चार्ज प्रोसीजर के मतलब बिना मेडिकल इंफॉर्मेशन के अगर पेशेंट उतने ही दिनों में जैसे 3 दिन की आपको घर जाने की दी है, आपको घर जाने के लिए बोला गया है और पेशेंट है वो वापस 3 दिन में हॉस्पिटल में आके इन्फॉर्म नहीं करता है, तो वो आप हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसके डिस्चार्ज प्रोसीजर को कैरी आउट करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। देन नेक्स्ट आएगा एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग आएगा कि पेशेंट कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल से भाग जाता है बिना किसी को इन्फॉर्म किए, या तो उसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नर्सिंग स्टाफ की जो ड्यूटी पर जो नर्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके, और जो पेशेंट एडमिट है सबसे पहले उसका ये काम होता है कि सारी प्रॉब्लम्स को साइड रखिए, वो ड्यूटीज पर आते ही सबसे पहले पेशेंट जो एडमिट है और जो प्रेजेंट है उन सबको काउंट करे, नंबर काउंट करे वार्ड, और किस वार्ड में कौन सा पेशेंट है उन सबकी काउंटिंग रखे।
देन डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे स्टेप ऑफ डिस्चार्ज अ पेशेंट। पेशेंट को डिस्चार्ज करने के स्टेप कौन कौन से होंगे? सबसे पहला तो एक होना चाहिए रिटर्न कंसेंट होना चाहिए और फॉलो अप डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसके अंदर। पेशेंट के लिए एक तो रिटर्न कंसेंट होना चाहिए या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलो अप डिस्क्रिप्शन, ताकि वो बार बार हॉस्पिटल आके टाइम टू टाइम फॉलो अप केयर के लिए आता रहे। देन सेकेंड पॉइंट आता है कि फैमिली एंड पेशेंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर केयर। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर लिखे होते हैं डिस्चार्ज की फाइल के अंदर, उन सबको फैमिली और पेशेंट को टोटली अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट आता है कि पेशेंट एंड रिलेटिव डिसाइड टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट एडवाइस ऑफ डॉक्टर, हैव हिम साइन नामा। अगर पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव हैं वो बिना किसी हॉस्पिटल में इन्फॉर्म किए, बिना किसी स्टाफ को इन्फॉर्म किए, बिना किसी मेडिकल एडवाइस के हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते हैं, तो वो हम लामा में काउंट करेंगे। लामा की फुल फॉर्म होती है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइजर। देन फोर्थ पॉइंट आता है कि असिस्ट द पेशेंट टू ड्रेस चेक एंड पैक बिलोंगिंग्स। ठीक है, पेशेंट को असिस्ट करना चाहिए और उसको चेकआउट करते रहे। और नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वो है कि उसको डिस्चार्ज स्लिप मिलनी चाहिए, कलेक्ट द डिस्चार्ज स्लिप और एंड प्रिस्क्रिप्शन। जितने भी डिस्चार्ज स्लिप है और जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, वो पेशेंट को लेना चाहिए और फॉलो अप केयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट द पेशेंट एंड हिज बिलोंगिंग वाया अ व्हीलचेयर। पेशेंट को अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे घर जाने के लिए भेजेंगे, तो आप उसके लिए वार्ड से हॉस्पिटल के बाहर तक आप व्हीलचेयर यूज कर सकते हैं या इनटू भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। पेशेंट की डिस्चार्ज होने के बाद जो यूनिट है उसको क्लीन करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज प्रोसीजर। डिस्चार्ज प्रोसीजर का पॉइंट है, मैं बता ही सकूँ, जो है अदर
उनको अप्रोप्रिएटली क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे ताकि नेक्स्ट पेशेंट के लिए वो रेडी रहे। नेक्स्ट आता है मेडिको लीगल इशू रिलेटेड टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से रिलेटेड मेडिको लीगल इश्यूज जो है वो है कि डिस्चार्ज प्रोसीजर के दौरान नर्स है उनको मेडिकल इश्यूज का ध्यान रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, सेफ गार्ड सेफ्टी से हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस वगैरह में नर्स को सेफली वर्क करना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट आता है ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम वार्ड टू वार्ड। अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हॉस्पिटल मस्ट बी केयरफुली एंटर एंड साइन ऑफ द वार्ड रिकॉर्ड एज वेल एज ड्यूटी रिकॉर्डेड। मतलब जिस वार्ड में आपको शिफ्ट कर रहे हैं उस वार्ड वार्ड का टोटल रिकॉर्ड रखें और ड्यूटीज ड्यूटीज पर जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ है उन सबका रिकॉर्ड रखें, पेशेंट की फाइल को मेंटेन रखें। देन कौन से वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट किया गया है उसका भी ध्यान रखें। पेशेंट रिकॉर्ड शुड बी हैंडेड ओवर टू पुलिस और लीगल अथॉरिटी विदाउट रिटर्न परमिशन ऑफ द ट्रीटिंग फिजिशियन। मतलब बिना किसी रिटर्न परमिशन के फिजिशियंस के द्वारा उसको ट्रीट भी नहीं किया जाता पेशेंट को, लीगल अथॉरिटीज या पुलिस केस वगैरह कोई भी हो तो उसके द्वारा लीगली वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू द पर्सन शुड बी एंटर्ड इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड विद द होम और पेशेंट हैज लेफ्ट हॉस्पिटल। मतलब पेशेंट है वो किसी भी रिलेटिव के थ्रू एडमिट हुआ है या एंटर हुआ हॉस्पिटल में, उसको रिकॉर्ड करे ताकि पेशेंट हॉस्पिटल से कभी भी निकल जाए तो जो साइन है वो रिलेटिव्स के रखने चाहिए। देन फिजिशियन नर्स शुड बी इन्फॉर्म द चीफ मेडिकल ऑफिसर अबाउट एनी स्पेशल कंडीशन। कोई भी फिजिशियन या नर्स है वो किसी भी मेडिकल कंडीशन के अंदर मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करे, कोई भी स्पेशल कंडीशन है या कोई डिस्चार्ज है पेशेंट को करना तो उसके अंदर चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करे, या कोई लामा का पेशेंट है या कोई डेथ का पेशेंट है तो इन सब के अंदर चीफ मेडिकल ऑफिसर को आप रिपोर्ट करें। नेक्स्ट आएगा ऑन डिस्चार्ज ईच पेशेंट हैज फुल राइट टू सीक हिज मेडिकल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड। हर पेशेंट को अब डिस्चार्ज के वक्त उसके सारे भी मेडिकल रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेशन सब कुछ लेने चाहिए। देन डिस्चार्ज नॉट शुड बी कैप्ट अंडर लॉक एंड की अंटिल हैंडेड ओवर टू कंसिडर पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है वो है मेडिकल इश्यूज रिलेटेड टू मेंटली इल पेशेंट। मेंटली इल पेशेंट के लिए क्या होगा कि इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वो 1987 में मेंटली इल पेशेंट को एडमिट करने पर, अगर मेंटली इल पेशेंट दो टाइप से एडमिट हो सकता है, एक तो वॉलेंट्री बेसिस पर और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री बेसिस पर जब वो एडमिट होता है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए या उसके डिस्चार्ज के वक्त सारी जो जिम्मेदारी होती है वो उसके रिलेटिव्स की, उसके नेबर्स की या उसकी खुद की होती है, क्योंकि वॉलेंट्री बेसिस पर या तो रिलेटिव के थ्रू या नेबर्स के थ्रू या सेल्फ आया है हॉस्पिटल के अंदर। और नेक्स्ट आएगा वो है इनवॉलेंट्री बेसिस। इनवॉलेंट्री बेसिस में मतलब पेशेंट है वो कहीं से लाया गया है, मेंटली पेशेंट है वो कहीं से भी लाया गया है जिसकी कोई जान पहचान नहीं होती, उसका जो डिस्चार्ज है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल ऑफिसर के अकॉर्डिंग ही होगा और उसी की परमिशन के थ्रू होगा। और उसके लिए आपको अप्रूवल जो साइकेट्रिस्ट ऑर्डर है वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और नेक्स्ट आएगा मेडिकल इशू रिलेटेड टू डिस्चार्ज ऑफ डेड बॉडीज। डेड बॉडी में रिटर्न कंसेंट होना चाहिए आपके पास, नर्स के पास रिटर्न ऑर्डर होने चाहिए बिफोर हैंडलिंग योर बॉडी। एंड मोर्चरी स्टाफ रिलेटिव पुलिस ऑफिस एंड ऑफिसर एंड कंप्लीट नेम एड्रेस आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिसीविंग बॉडी। जब बॉडी को रिसीव करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एड्रेस, कंप्लीट नेम और पुलिस इंक्वायरी, रिलेटिव, स्टाफ सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इंश्योर एंड अप्रोप्रिएट प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ डेड बॉडी ड्यूरिंग लास्ट